मेरा नाम इमरोज़ यूसुफ़ है और मैं लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती मनाते हैं, और इसी हवाले से पिछले 1 महीने से हमारे स्टेट जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे जॉनराज में कॉम्पटिशन्स हुए, और इन्हीं में से एक कॉम्पटिशन में मैंने भी पार्ट लिया था जो कि था सिम्पोजियम का कॉम्पटिशन। और इसी हवाले से मैंने सबसे पहले जोनल लेवल पर अपने स्कूल को रिप्रजेंट किया, वहाँ से फ़र्स्ट पोजिशन एक्वायर की, और उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने जोन निहालपुरा को रिप्रजेंट किया, वहाँ से भी फ़र्स्ट पोजिशन एक्वायर की, और उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को रिप्रेजेंट किया डिविजनल लेवल कॉम्पटिशन में जो कि कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहला क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी मासी को जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे स्कूल मैनेजमेंट को, लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट को, और मेरे टीचर्स को जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, टॉपिक में बहुत हेल्प की या उसके बगैर मेरे स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली हमारे स्कूल की प्रिंसिपल फाहमिदा मैम जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इमरोज, क्या मैसेज रहेगी आपकी स्टूडेंट से, क्योंकि आपने कल यहाँ पे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपने कल यहाँ पे अवार्ड लिया, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? मेरी यही मैसेज रहेगी कि उनसे कि जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़ी लेवल पर हो, एक को चाहिए कि वो हर किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले, ताकि उसको भी एक एक्सपोजर मिले जिससे कि वो फिर अपने आप को तैयार कर सके जो आगे आने वाले चैलेंज है।